लालची आइसक्रीम वाला। भिलाई नगर के गांव में मुकेश आइसक्रीम पार्लर चलाता था। मुकेश अपने पार्लर में सभी प्रकार की आइसक्रीम बेचा करता था, वेनिला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम और सभी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम बेचा करता था। इसके बाद भी ग्राहक के पसंद के हिसाब से अलग अलग आइसक्रीम बेचा करता था। जैसे ग्राहकों का डिमांड होता वैसा अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम बनाता था। सभी के लिए अलग अलग प्रकार का आइसक्रीम बनाता था, इसलिए उसका आइसक्रीम पार्लर बहुत चलता था। खास तौर पर गर्मियों के दिनों में लोग उसके हाथ का आइसक्रीम खाए बिना घर ही नहीं जाते थे। मुकेश अपने घर में ही आइसक्रीम बनाता था। मुकेश को उसी गांव के सोहन नाम का आदमी दूध दिया करता था। सोहन एक नंबर का लालची किस्म का आदमी था। वह रोज मुकेश के यहाँ दूध पहुँचाता था। दूध देने के बाद सोहन हमेशा सोचता था, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है दूध। मैं इसे रोज दूध पहुँचाता हूँ और महीने के मात्र 400 से 500 रुपए मिलता है, और यह दूध में यह हवा मिलाकर दिन में 1000 रुपए कमा लेता है। मुझे भी किसी न किसी तरह से अपना मुनाफा बढ़ाना होगा। कुछ समय बाद सोहन अपने दूध में बहुत पानी मिलाने लगा। उसके बाद सोहन अपना दूध लेकर गांव में बेचने को निकल जाता है। क्यों भाई सोहन, तुम आजकल दूध में पानी मिला रहे हो या पानी में दूध मिला रहे हो? कितना फीका दूध रहता है तुम्हारा। देखो साहब, दूध लेना है तो लो, वरना बंद करवा दो। सोहन अपने गांव में अकेला दूध बेचने वाला था, इसी कारण लोग मजबूरी में उसे दूध खरीदते थे। कुछ दूर जाने के बाद, आजकल तुम्हारे दूध में बहुत पानी आ रहा है, 1 कप चाय बनाने के लिए 2 कप दूध डालना पड़ता है। अरे क्या बात कर रहे हो दीदी, मैं और दूध में पानी, मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ। आप ऐसा बोलोगे तो मैं कल से दूध देना बंद कर दूंगा, फिर खरीदना कहीं और से। यह सब सुन के सभी लोग चुप हो जाते थे। किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण लोग मजबूरी में सोहन से ही दूध खरीदा करते थे। इससे सोहन को धीरे धीरे बहुत मुनाफा होने लगा। एक दिन मुकेश के दुकान पर दूध देने के बाद, मैं दूध में पानी मिलाता हूँ फिर भी इसका धंधा मंदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आइसक्रीम कैसे भी बनाओ लोग खाएंगे ही। कल से मैं भी एक आइसक्रीम पार्लर लगाता हूँ। यह पानी मिला के दूध बेच रहा हूँ, उससे तो कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। कुछ दिन के बाद सोहन मुकेश के आइसक्रीम पार्लर के सामने अपना आइसक्रीम पार्लर खोलता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम, आज तक आपने ऐसा आइसक्रीम नहीं खाया होगा। सभी प्रकार के फ्लेवर से भरा, बिल्कुल नया फ्लेवर, चिकन फ्लेवर, फिश फ्लेवर। वह चिल्लाने लगा। शुरुआत में नया आइसक्रीम पार्लर वाला देख के लोग उसके पास आइसक्रीम खाने के लिए आते थे, और मुकेश को भी इस बात से कोई ज्यादा बुरा नहीं लगता। अरे धंधा पानी में तो थोड़ा बहुत मुकाबला होता ही रहता है। और इधर सोहन का धंधा अच्छा चलने लगा तो उसके मन में फिर लालच जगता है। लोगों को मेरा आइसक्रीम का तो चस्का लग गया है, ज्यादा अच्छा आइसक्रीम बनाने में खर्चा नहीं करूंगा तो भी चलेगा। फिर वो अपने आइसक्रीम का क्वालिटी गिराने लगता है, और अगर कोई ग्राहक उससे शिकायत करता, क्यों भाई सोहन, आपके चॉकलेट आइसक्रीम में तो चॉकलेट नजर ही नहीं आ रहा है। अरे भाई, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर ढूंढते हो क्या कि हैदराबादी बिरयानी में हैदराबाद? इसी प्रकार चॉकलेट आइसक्रीम में चॉकलेट नहीं होता, जल्दी जल्दी खा लो। सोहन भाई, आपके आइसक्रीम में तो मक्खी गिर गया है। भाई 10 रुपए के आइसक्रीम में मक्खी नहीं तो क्या हाथी गिरेगा? दूसरा आइसक्रीम चाहिए तो 10 रुपए और लगेंगे। अरे सुनो भाई, आपका आइसक्रीम तो पूरा पिघला हुआ है। अरे वह स्पेशल आइसक्रीम है, उसको ऐसे ही खाया जाता है, इसी कारण उसका रेट 70 रुपए है। धीरे धीरे उसका बर्ताव बहुत ही बुरा होने लगा, तो लोग धीरे धीरे सोहन के आइसक्रीम पार्लर में आना बंद कर दिए। तो सोहन को बहुत गुस्सा आने लगा। उसके सभी ग्राहक वापस फिर से मुकेश के पार्लर में जाने लगे। तो फिर सोहन सोचा, मुझे मुकेश का आइसक्रीम में कुछ मिलावट करना होगा ताकि लोग उसके पास आइसक्रीम खाना छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन सोहन चुपके से मुकेश के आइसक्रीम पार्लर में घुस जाता है और उसके सारे आइसक्रीम में नमक मिला देता है। जैसे सब लोग मुकेश के पार्लर में आइसक्रीम खाते हैं, छी छी, कितना घटिया आइसक्रीम है, ऐसा आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाया।
ऐसा बोल के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मुकेश सोचता है, मैं इतने सालों से आइसक्रीम बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। पता नहीं क्या हो गया है। और उधर सोहन यह सब देखकर बहुत खुश होता है। दूसरे दिन सोहन फिर वैसा ही करता है। दूसरे दिन भी लोग मुकेश की आइसक्रीम खाकर पार्लर से वैसे ही गुस्से गुस्से में चले जाते हैं। मुकेश को थोड़ा शक होता है, जरूर मेरे आइसक्रीम में कोई ना कोई छेड़छाड़ कर रहा है। उसको सोहन पर शक होता है। दूसरे दिन मुकेश आइसक्रीम बनाता है और अपने शॉप से बाहर चला जाता है। उसको बाहर जाता देखकर सोहन बहुत खुश होता है और चुपके से उसके पार्लर में घुस जाता है और आइसक्रीम में मिलावट करने लगता है। यह सब कुछ मुकेश बाहर से देख रहा होता है और सोहन को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम मेरे आइसक्रीम में मिलावट कर रहे थे, अभी थानेदार को बुलाता हूँ। और मुकेश ने थानेदार को बुलाकर सोहन को जेल में डलवा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जूता चोर और ढोंगी बाबा। मायापुर गांव में एक चोर का कहर फैला हुआ था। किसी के भी जूते अगर घर के बाहर रह जाते तो चोरी हो जाते। मोहन घर जाकर अपने पापा से पूछता है, ये जूता चोर कौन है और यह जूतों का क्या करता है? पता नहीं बेटा, पिछले 2-3 सालों से यह चोर हमारे गांव में आ रहा है और कोई इसे पकड़ भी नहीं पाता। कहीं तुम दोनों ने अपने जूते बाहर तो नहीं छोड़ दिए? मोहन और मोहन के पापा जल्दी से बाहर से जूते अपने घर के अंदर लाकर बक्से में बंद करके रख देते हैं। रात में एक आदमी दीवार से कूदकर एक घर में घुसता है और आंगन में पड़ी जूते उठाकर ले जाता है। अगले दिन सुबह गांव में मंगरू के चिल्ला चिल्लाकर रोने की आवाजें आती है। कल रात में तो दरवाजा भी बंद करके सोया था, लेकिन वह चोर दीवार से कूदकर मेरे घर में घुसकर मेरे जूते चुरा ले गया। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, लेकिन जूतों का खाने से क्या लेना देना? अरे भाई, जूता पहनकर ही तो बाजार से सब्जी लेकर आता था, नंगे पैर कैसे सब्जी लाऊंगा? और सब्जी नहीं आएगी तो खाना भी कैसे बनेगा? मैं आज ही मुखिया जी के पास जाता हूँ और पंचायत बुलाने को कहता हूँ। गांव में पंचायत बुलाई जाती है, सभी लोग आते हैं। मंगरू भीड़ में से खड़ा होता है। मुखिया जी, पिछले महीने घरों से 40 जोड़ी जूते और मंदिर से 60 जोड़ी जूते गायब हो चुके हैं। इस चोर को पकड़ने का कोई इंतजाम कीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। मुखिया जी, हम चोर को पकड़ सकते हैं, मेरे पास एक प्लान है। बताओ कैसे? हम गांव में किसी आदमी के जूतों में एक चिप डाल देंगे जिसे ट्रैक किया जा सकता है। मैं अपने टेबलेट से उसे ट्रैक कर लूंगा और इस तरह हम चोर को पकड़ लेंगे। शाबाश बेटे मोहन, आज तुम जूतों में चिप लगाकर उन्हें अपने घर के बाहर रख देना, कल जरूर हम उस चोर को पकड़ लेंगे। उस रात मोहन अपने पापा की जूतों में चिप लगाकर जूतों को घर के बाहर रख देता है। रात में चोर आता है और जूतों को उठाकर ले जाता है। अगले दिन मोहन अपने पापा, मुखिया जी और मंगरू को टेबलेट पर देखकर चोर की लोकेशन बताता है। देखिए, यह चोर हमारे घर से जूता उठाकर जंगल की ओर गया है, हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। मोहन के पापा, मुखिया जी और मंगरू जंगल में चोर को पकड़ने जाते हैं। जंगल में उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। उनका पीछा करते करते वह एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा में बिल्कुल अंधेरा होता है। तीनों लोगों को डर लगने लगता है। मुखिया जी, पहले आप अंदर जाइए, क्योंकि आप गांव के मुखिया जी हैं। अरे भाई, मैं मुखिया जी हूँ तो क्या हुआ? पहले तुम अंदर जाओ, तुम्हारी जूता चोरी हुई है ना? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं अभी एक मसाल जलाता हूँ। मोहन के पापा मसाल जलाते हैं और तीनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर वे लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे जूतों का ढेर पड़ा हुआ है और एक आदमी सो रहा है। तीनों लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं। आदमी घबराकर उड़ जाता है। तुम जूता चोर हो, आज हमने तुम्हें पकड़ लिया। तीनों जूता चोर को गुफा के बाहर ले आते हैं। बताओ, तुम जूता क्यों चुराते हो?
नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे और जेल में बंद कर देंगे। नहीं, मुझे मत मारना, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी पड़ोस के गांव में मिठाई की दुकान थी, लेकिन मेरे बराबर में ही एक और नई दुकान खुल गई। मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। सभी लोग पड़ोस वाली दुकान पर जाने लगे। मुझे किसी ने बताया कि जंगल में एक जूता बाबा रहते हैं, तुम उनके पास कोई भी समस्या लेकर जाओ तो उसका समाधान कर देते हैं। बस तुम्हें उन्हें 10 जोड़ी जूता हर सप्ताह देनी होती है, इसीलिए मैं जूता चोरी करता हूँ। चलो अब जूता बाबा को भी पकड़ते हैं। रुको, चोरों को कुछ जोड़ी जूते लेकर उसके पास भेज देते हैं और फिर उस बाबा का पीछा करेंगे। देखते हैं कि वे जूते लेकर कहां जाता है। ठीक कहा। चोर बाबा के पास जाता है और कहता है, लीजिए बाबा, मैं आपके लिए 10 जोड़ी जूता लेकर आया हूँ। शाबाश बेटे, यह जूता यहीं रख जा, बहुत ही जल्दी तेरा धंधा अच्छा चलने लगेगा। जब चोर वहां से चला जाता है तो बाबा सभी जूतों को एक जूता व्यापारी के पास जाकर बेच देता है। चोर, मोहन के पापा, मुखिया जी और मंगरू यह सब देख लेते हैं और बाबा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाएंगे। तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा होगा। तुम जैसे लोग अंधविश्वास फैलाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। सारे लोग मिलकर उस ढोंगी बाबा जूता चोर की खूब पिटाई करते हैं और उसके बाद चारों लोग बाबा और जूता चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में दे आते हैं।